हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का चर्चा का विषय है फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। मनोविज्ञान ने लगभग पिछले 100 वर्षों में या उससे भी अधिक जो तरक्की की है, उस तरक्की के दौरान मनोविज्ञान ने किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और वो दे रहा है, तो ये विषय है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसको अगर हम दूसरी तरफ देखना चाहें तो व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इन द सेंस, यानी कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी वो शाखाएं हैं जिन पर आज शोध चल रहा है और मानव को उन्नत बनाने के लिए, उसके जीवन को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उन सिद्धांतों का रियल यानी यथार्थ जीवन में किन किन विषयों में, किन किन डिसिप्लिन में आज उसका प्रयोग हो रहा है। तो इस में हमारा चर्चा का विषय यही रहेगा कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। इस वीडियो में कुछ इमेजेस भी दिखाई जाएंगी और उन विषयों पर चर्चा की जाएगी जो संबंधित हैं। पहले हम देखते हैं कि 1879 में सबसे पहले विलियम हुंट ने लाइपजिग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान एक लंबा सफर तय कर चुका है। इसकी शुरुआत में आप देखेंगे कार्यात्मकवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद आदि मतों का विकास हुआ। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग इवन दूसरे विषय के लोगों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने, साइंटिस्टों ने इसमें योगदान दिया है। और जब ये विकास के एक सफर पर था, यानी अभी भी है, तो विभिन्न मनोचिकित्सा प्रणालियों यानी साइकोथेरापीज का भी विकास किया गया। मानव ने, आज का जो मानव है, उसने अपने जीवन के लगभग हर पहलू में मनोज्ञान की महत्ता को समझ लिया है कि मनोज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा गया है, जहां जहां इंसान वहां वहां मनोविज्ञान। इस तरह मनोज्ञान के सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य में, नैदानिक में, शिक्षा, खेल, राजनीति, अर्थशास्त्र, उद्योग और संगठनों, परामर्श, फोरेंसिक आदि में उपयोग किए जाने लगे हैं। और भी बहुत हैं, जैसे कि एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी ऑफ वुमन, इस तरह के हर चीज में मनोविज्ञान का इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे विषय हैं जिनको अभी पढ़ाया जा रहा है और उनकी, उन शाखाओं की या उन क्षेत्रों की चर्चा भी हम इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का जो साइंटिफिक पहलू है, जो साइंटिफिक शाखा है, प्योर जो साइंटिफिक शाखा है, वह कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यह क्षेत्र क्या काम करता है? उन मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जो पर्यावरण से प्राप्त, यानी कि जो बाहर से और आपके अंदर से, दोनों पर्यावरण है, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, से प्राप्त सूचनाओं को अर्जित करता है, उसका भंडारण करता है, उसमें हेर फेर मैनिपुलेट करता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और परिवर्तन करने के साथ साथ उनका प्रयोग करता है और उनको प्रेषित करता है, उनको कम्युनिकेट करता है, आप स्वयं को भी और दूसरों को भी। ये मुख्य रूप से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का एक काम होता है। कुछ प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे अवधान है, अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, स्मृति, रीजनिंग, इसको हम तर्क कहते हैं, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया और भाषा इत्यादि। ये सारे के सारे मनोविज्ञान की, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के कुछ प्रकार हैं या कुछ कार्य हैं। अगला हम देखें है जैविक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की ये शाखा या ये क्षेत्र व्यवहार और शारीरिक प्रणाली के बीच के संबंध पर केंद्रित होती है कि हमारे जो शारीरिक प्रणाली है, जो इंटरनल जो शरीर का जो सिस्टम है, उसके बीच में और हमारे व्यवहार में क्या संबंध है, जिसमें मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको हम डिफेंस सिस्टम कह रहे हैं आपका, और अनुवांशिक शामिल होते हैं। जैविक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, अक्सर न्यूरोसाइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा जो लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, अनुसंधान करते हैं और जो रिजल्ट जो आते हैं उनका मानव के यथार्थ के जीवन में उपयोग करते हैं। अब देखेंगे तंत्रिका मनोविज्ञान यानी न्यूरोसाइकोलॉजी। यह क्षेत्र
व्यवहार तथा संबंधित मानसिक कार्यों में, यहां पर बात आ गई मानसिक कार्यों में, न्यूरोट्रांसमीटर या रासायनिक जो पदार्थ होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और कुछ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, की भूमिका का अध्ययन करता है कि हमारे इन मानसिक जो काम करते हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर और रासायनिक पदार्थ क्या भूमिका निभाते हैं, क्या है उनका रोल है। माने ये है कि हम न्यूरोट्रांसमीटर को स्टडी तो करते हैं लेकिन केवल उसी लेवल पर करते हैं जिस लेवल पर वो हमारी मानसिक प्रणालियों को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। और यही जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मस्तिष्क में होने वाले जितने भी तंत्रिका संचार होता है उसके लिए ये जिम्मेदार माने जाते हैं। अब चौथा देखेंगे अंत संस्कृति और सांस्कृतिक मनोज्ञान यानी इंटरकल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी। फिर वही बात, यह क्षेत्र क्या करता है, मानव व्यवहार, उसके विचार, उसकी भावना, उसके संवेग, उनको समझने में उन पर संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करता है कि वो कैसे हैं और क्यों हैं और उन पर संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति क्या भूमिका है। और ये अंतर संस्कृति मतलब होता है क्रॉस कल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मानव एक स्थिति में अलग अलग व्यवहार क्यों करता है, इसका मतलब यह है कि संस्कृति का कुछ ना कुछ प्रभाव है, इसलिए इस विषय में सांस्कृतिक मनोविज्ञान हम इसको कहते हैं, इसकी यह क्षेत्र है। ये मानव माना जाता है कि जो मानव का व्यवहार है केवल मानव जैविक क्षमता का प्रतिबिंब नहीं है, वो इसको नहीं दिखाता है, बल्कि ये संस्कृति का भी एक उत्पाद है। इसका मतलब संस्कृति का भी मानव व्यवहार पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। अगला विषय है पर्यावरण मनोविज्ञान। यह क्षेत्र मानव व्यवहार पर तापमान, आर्द्रता मतलब डेंसिटी, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भौतिक कारकों की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। स्वास्थ्य पर कार्यस्थल की सारी व्यवस्था के प्रभाव, यानी कि जो आपका वर्किंग कल्चर है उस पर, जो वर्क एनवायरमेंट है उस पर, स्वास्थ्य पर और जो सारी व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक स्थिति और पारस्परिक संबंधों का भी इस पर्यावरण मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं कि जो हमारा व्यवहार है, हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसके ऊपर, जो आजकल प्रदूषण चल रहा है, आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन सब का किस प्रकार से हमारे असर पड़ता है, तो ये सारी चीजें जो स्टडी की जाती हैं वो पर्यावरण मनोविज्ञान के स्कोप में आती हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यह क्षेत्र विभिन्न आयु यानी हम अलग अलग आयु में लोगों पर और उनकी अवस्था और जो स्टेजेस हैं उन पर यानी अवस्थाओं पर होने वाली शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो गर्भाधान से लेकर बुढ़ापे तक होते रहते हैं का अध्ययन करता है। एक छोटी सी बात इसमें यह है कि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं उनके ऊपर जो, और अलग अलग स्टेज से गुजरते हैं कि उनके ऊपर शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन आते हैं वो क्यों आते हैं और किस कारण से आते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम व्यवहारिक रूप में ऐसे हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है। तो ये सारे विषय हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के। अगला है सामाजिक मनोविज्ञान। यह क्षेत्र ये पता लगाता है यानी अध्ययन के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, कि लोग अपने सामाजिक वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं, लोग दूसरों के बारे में क्या और क्यों सोचते हैं, उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है फिर भी उनके बारे में वो सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, ये सारे विषय जो है सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे पढ़ते हैं अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या है लोगों का, अनुरूपता क्या है, आज्ञाकारिता, पारस्परिक आकर्षण, पूर्वाग्रह, आक्रमकता, सामाजिक प्रेरणा, अंतर समूह संबंध आदि जो विषय हैं इनके अध्ययन में रुचि रखते हैं और इनके आउटकम्स को निकालते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और इन्विजिलेटर आकर किसी बच्चे के पास खड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे उस बच्चे के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर वो प्रश्न उसको आसानी से आता होगा तो उसको बड़े अच्छे ढंग से लिखना शुरू कर देगा, अगर वही प्रश्न उसको वो कठिन है और वो सोच सोच के लिख रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि इन्विजिलेटर केवल खड़ा है, उसको कुछ बोल नहीं रहा है वहीं पर। तो ये क्या है,
ये सारा विषय है सामाजिक मनोविज्ञान के, और सामाजिक मनोविज्ञानी यही बात को समझने की कोशिश करते हैं और इसी भी लगभग इन्हीं विषयों पर अनुसंधान करते हैं। आगे देखिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान, यह क्षेत्र शारीरिक बीमारी के विकास, तो शरीर में बीमारियां होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो हमारे बीमारी होती है, एलिमेंट्स होती हैं, वो जो विकास हो रही है, वो उनका बीमारी का विकास हो रहा है, उनके रोकथाम और उपचार में जो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कारक है, जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण, एंजाइटी के कारण, कौन कौन सी ऐसे जो बीमारियां हैं जो फिजिकली विकसित हो जाती हैं, तो उन पर, उनकी भूमिका पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला देखें नैदानिक और परामर्श मनोविज्ञान, यानी क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी। यह क्षेत्र, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन मैंने इसमें एक साथ इनको डाल दिया है, ये फिर भी यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारकों के कारणों, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के अंदर विकार हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनके कौन कौन से कारण हैं, उनके उपचार और रोकथाम से संबंधित होता है। जैसे कि दुश्चिंता, ये दुश्चिंता पहली बात तो इसका डायग्नोसिस होगा, ये दुश्चिंता इसमें है क्यों, एंजाइटी है। फिर अगर ये डायग्नोस हो गया, नैदानिक रूप से इनका हो गया, तो आप देखेंगे फिर इसको उपचार किया जाता है और दोबारा ना हो उसका रोकथाम भी किया जाता है। अवसाद है, डिप्रेशन है, भोजन संबंधी विकार होते हैं, ये सारे इत्यादि जो कि मनोवैज्ञानिक विकार को कहा जाता है, मानसिक विकार भी कहा जाता है। इसी संबंधित एक दूसरा क्षेत्र था परामर्श होता है, जो काउंसलिंग होती है, जिसको हम टॉकिंग क्योर कहते हैं, बातचीत के माध्यम से किसी का इलाज करना, किसी की उपचार करना, जिसका उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनको हल करने और उन चुनौतियों को, स्थितियों को एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करके रोजमर्रा के कामकाज में सुधार करना होता है। यानी कि किस प्रकार से व्यक्ति जो उनके सामने रोजमर्रा के जीवन में जो चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है उनको से मीट करने के लिए, उनसे पार पाने के लिए उस व्यक्ति को स्वयं इतना मजबूत किया जाता है इस परामर्श में। परामर्श में कोई इलाज संभव, इलाज उसको नहीं बताते, कोई उसके टिप्स नहीं बताई जाती, लेकिन उस व्यक्ति को ही, उस क्लाइंट को ही इतना मजबूत किया जाता है कि वो चुनौतीपूर्ण जो स्थितियां उसके जीवन में आती हैं उनका वो सामना कर सके। नेक्स्ट आप देखिए औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। यह क्षेत्र कार्यस्थल पर होने वाले व्यवहार संबंधित होता है, यानी कि व्यक्ति, हम किसी संस्था में, किसी संगठन में, किसी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो वहां पर हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, वो दोनों होता है। एक तो जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अधिकारी या श्रमिक होते हैं, और एक उनको रोजगार देने वाले लोग होते हैं, उनके बीच के अंदर क्या रिलेशंस होने चाहिए और किस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने बेस्ट ऑप्टिमल आउटपुट दे सके। औद्योगिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कर्मचारियों का आपसी संबंध हो, उनके काम की स्थिति में सुधार और कर्मचारियों के चयन, यानी कि उनको किन किन कर्मचारी किस काम के लिए फिट है मानसिक रूप से, या ध्यान रखना यहां पर मानसिक रूप से बात की जाती है, उनके लिए मानदंड कुछ विकसित करते हैं और जिसके माध्यम से उनका चयन किया जाता है। अगला देखें शैक्षिक मनोविज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मनोविज्ञान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर भूमिका निभा रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में। यह क्षेत्र इन विषयों का अध्ययन करता है कि सभी उम्र के लोग किस प्रकार सीखते हैं, एक ही मुख्य बात इसमें कि बच्चे जो है किस प्रकार सीखते हैं, शिशु कैसे सीखता है, किशोर, वयस्क और जो वृद्ध लोग हैं वो किस प्रकार से हम सीख जीवन भर हम सीखते रहते हैं। तो यही एक मुख्य विषय है कि हम इस विषयों का शैक्षिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षण और कार्यस्थल पर लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशात्मक तरीकों और सामग्रियों को विकसित करने में मदद करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उन पर किस प्रकार से उनका विकास किया जाए, ऐसे ऐसे तरीके हर समय खोजते रहते हैं और किस तरह शिक्षा को एक बहुत ही शानदार और सुंदर और मजेदार बनाया जाए। वे शिक्षा परामर्श और सीखने संबंधी समस्याओं के अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र, अगला हम देख सकते हैं खेल मनोविज्ञान। यह क्षेत्र अब मुख्य रूप से नाम से ही पता चल रहा है, खिलाड़ियों की प्रेरणा को बढ़ाते हैं, उनकी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, उनके मानसिक रूप से उनको स्वस्थ करते हैं, मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है इन मनोवैज्ञानिकों का कि उनका जो खेल प्रदर्शन है उसको बेहतर बनाया जाए, ऑप्टिमल बनाया जाए, बेस्ट बनाया जाए, और उनके बेस्ट बनाने में वो लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि खेल मनोविज्ञान एक नया क्षेत्र है, लगभग रिलेटिवली एक नया क्षेत्र है, लेकिन
दुनिया भर में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से आप कि जब खिलाड़ी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो कई उनके साथ समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कंपटीशन एंजाइटी, उसको दूर करने के नए नए तरीकों का पर अनुसंधान हो रहा है और उसी में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है ताकि खिलाड़ी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और अंत में हम देखते हैं मनोज्ञान की अन्य उभरती शाखाएं। केवल मनोज्ञान जो अभी मैंने डिस्कस किए इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें मनोज्ञान अपना योगदान दे रहा है। अब ये है विमानन मनोविज्ञान, एविएशन साइकोलॉजी। पायलट जब जहाज उड़ाते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार से वो बेहतर तरीके से उन अपने जहाजों को उड़ा सकें। अंतरिक्ष मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य मनोविज्ञान है, फोरेंसिक मनोविज्ञान, ग्रामीण इंजीनियरिंग प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट का, सामुदायिक कम्युनिटी मनोविज्ञान, पॉलिटिकली राजनीतिक मनोविज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्र और भी है, इकोनॉमिक मनोविज्ञान भी है, वुमन मनोविज्ञान भी है यानी कि साइकोलॉजी ऑफ वुमन, हाई वुमन हाउ वुमन बिहेव, ये सारे के सारे जो विषय हैं ये उभरते क्षेत्र हैं और इनमें मनोविज्ञान अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है। तो इसमें अंत में केवल एक बात, जहां जहां इंसान वहां वहां मनोविज्ञान, यानी हमारा जो, और दोस्तों हमारा अगला जो व्याख्यान होगा वो होगा मनोविज्ञान में कैरियर संभावनाएं। तब तक आपने जो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इससे संबंधित कोई भी आपके मन में शंका या कोई ऐसी चीज हो जिसके माध्यम से आप मुझे कोई कमेंट्स हो, क्रिटिकल कमेंट्स हो, या आपने इस बात में मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो आप, तो मेरे जो ईमेल है varmasujit@yahoo.com पर आप लिख सकते हैं, या फिर मेरा जो चैनल है डॉक्टर राजेश वर्मा के नाम से यूट्यूब पर, उसके कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने प्रश्न लिख सकते हैं, मैं उचित समय पर उनका जवाब दूंगा। इसके लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत